नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुग्रह शर्मा। खबर आ रही है राजस्थान के भरतपुर जिले से। कामा कस्बे के प्रसिद्ध भोजन थाली मेला और कुश्ती दंगल आयोजन कराए जाने को लेकर एसडीएम बनवारी लाल शर्मा की अध्यक्षता में उपखंड के अधिकारी और मेला कमेटी के पदाधिकारियों के बीच बैठक सम्पन्न हुई। एसडीएम बनवारी लाल शर्मा ने कहा कि कोर्ट ऊपर स्थित कामसेन स्टेडियम में कुश्ती दंगल का आयोजन 15 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। बैठक में डीएसपी देवेंद्र सिंह राजावत, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर केडी शर्मा, नगर पालिका कर्मचारी शरीफ खान, पूर्व मंत्री मदन मोहन सिंघल, पूर्व पालिका अध्यक्ष ब्रज किशोर लोधा, समाजसेवी विजय मिश्रा, पार्षद प्रदीप गोयल, पार्षद शिवराम सैनी और पूर्व पार्षद मिथिलेश शर्मा सहित मेला कमेटी के अन्य सदस्य मौजूद थे। मेले के आयोजन के लिए एसडीएम बनवारी लाल शर्मा, तहसीलदार सत्यनारायण छिपा, डीएसपी देवेंद्र सिंह राजावत और थानाधिकारी धर्मेश दायमा ने कामसेन स्टेडियम में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इंडिया खबर लाइव के लिए कामा से आमिर खान की रिपोर्ट। द्वारा दंगल के ये कुश्ती दंगल का आयोजन के बारे में राजस्थान उच्च न्यायालय से परमिशन लिए, न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं उसके अनुसार जन सहयोग से ये दंगल करवाना चाह रहे हैं। कमेटी को इस बारे में लिखा गया था, कमेटी ने अपनी सब कमेटियां बना करके व्यवस्थाओं के लिए हमें आश्वस्त किया है। उसी क्रम में आज ये मीटिंग रखी गई थी जिसमें पुलिस के डिप्टी साहब को और सभी संबंधित विभागों को बुलाया गया है। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी के बारे में जानकारी ली गई है और गांव के नागरिक बंधुओं से भी इस बारे में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली गई है। स्टेडियम का जायजा भी हम लेने जा रहे हैं मौके में, उसकी बैठक क्षमता और आने वाले भीड़ की को ध्यान में रखते हुए सही व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए। प्रशासन, क्योंकि ये मेला इनके जन सहयोग से हो रहा है इसलिए सारी व्यवस्थाएं उन्होंने अपने ऊपर ली हैं। प्रशासन की ओर से कानून व्यवस्था सारी संभाली जाएगी, फिर भी शेष रही छोटी मोटी व्यवस्थाएं जो भी कानून के हिसाब से आवश्यक होगी वो सब व्यवस्थाएं हम हमारे स्तर से करवाएंगे।